हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोकोनट लड्डू, नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने थ्री कलर में बनाया है। और इस रेसिपी को बनाने में कितना टाइम लगा, लगभग आधे घंटे का टाइम लगता है। और इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने कच्चा नारियल लिया है और इसे पहले ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर दिया है और उसके बाद अच्छे से इसको रोस्ट कर लिया। इसका पानी सुखा लिया, बिल्कुल सूख गया है, तब मैंने इसके लड्डू बनाए हैं। तो इस डेसिकेटेड कोकोनट की आप रेसिपी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ इसका फुल वीडियो है, आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसको पहले रोस्ट कर लेते हैं, इसका पानी सुखा लेते हैं अच्छे से, ताकि जब लड्डू बनाएं और उसको कुछ दिन तक रखें तो वो ख़राब ना हो। तो इसको अच्छे से सुखा लेना है, इसका पानी सुखा लेना है, अच्छे से इसको भून लेना है। तो ये देखिए, सूखने के बाद देखिए हाथ में बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है और अच्छे से गिर भी जा रहा है। तो बस हमें ऐसे ही इसको भूनना है अच्छे से। कोकोनट को हम रोस्ट कर लेने के बाद, भून लेने के बाद कढ़ाई से अलग करेंगे और कढ़ाई में हम दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, हम कंडेंस मिल्क तैयार करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से निकाल लेते हैं और अब चलिए कंडेंस मिल्क बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने लगभग आधा कप चीनी लिया है और 2 कप दूध है, और इसको अब हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पहले एक उबाल आने देंगे फुल फ्लेम करके हम इसको पहले अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल अच्छे से होने के बाद हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा और इसको हम लगातार ही चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे, ताकि दूध जले नहीं और अच्छे से कंडेंस मिल्क तैयार हो जाए। तो ये देखिए, धीरे धीरे ये गाढ़ा हो गया है और अब हम इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है। बस हमें इतना ही हमें बनाना है। तो चलिए, कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसमें कोकोनट डाल देंगे, और कोकोनट डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे और अच्छे से सुखा लेंगे, ताकि हमारे लड्डू अच्छे से बन सकें। तो लगभग इसको 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो जो थोड़ा बहुत इसमें रह गया होगा गीला, तो वो सूख जाएगा। इसमें 2 से 3 मिनट तक सुखा लेंगे इसको। तो ये सूख गया है, चलिए अब हम इसको 3 हिस्से में बांट लेंगे। तो ये देखिए, सूख गया है, अच्छे से सूखा है। अब हम इसको 3 हिस्से में बांट लेंगे और 3 कलर मिला लेंगे। तो जिसमें हमने रेड कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और एक बिल्कुल प्लेन रखेंगे। कलर डालने के बाद कलर को हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम लड्डू तैयार करेंगे। तो सभी कलर हम अच्छे से मिला लेते हैं पहले, और चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए आप जैसे बनाना चाहें, जितने बड़े बनाना चाहें, जितने छोटे बनाना चाहें उतने बड़े बना सकते हैं।
तो ये देखिए एक हाथ से मैंने इस लड्डू को बना लिया है और ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। और जो मैंने थोड़ा सा कोकोनट बचा कर रखा था कोटिंग के लिए, तो इसमें हम कोट कर लेंगे ताकि कोकोनट लड्डू और भी अच्छे लगे। तो सभी लड्डू हम इसी तरह अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो ये लड्डू सभी बन के तैयार हो गए हैं और इसको हमने अच्छे से कोट भी कर लिया है। और एक ट्रिक आपको बताते हैं, तो ये सभी लड्डू एक ही थाली में आप रख लीजिए और उसके बाद हिला दीजिए तो सभी एक साथ इकट्ठे ही कोट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऐसे ही कोट कर लिए थे, एक थाली में डेसिकेटेड कोकोनट डालकर, सारे लड्डू को डालकर सभी को एक ही साथ कोट कर लिए। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।